ऑल वेदर रोड का काम चालू हो गया है और उसमें अभी तक कई पेड़ कट चुके हैं, आपके जहन में क्या है? इस सड़क, ये भारत केंद्र सरकार का मसला है। उन्होंने इस सड़क को बनाने के लिए उसमें कुछ तो सोचा ही होगा कि हिमालय तक इतनी चौड़ी सड़क जाए, उसका कोई उद्देश्य तो होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि संवेदनशील हिमालय में इतने 33,000 से अधिक पेड़ों का कटना, ये सबसे बड़ा एक हिमालय के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस सड़क से हमको बहुत लाभ मिल रहा है तो उससे ज़्यादा जो है नुकसान वो हिमालय को हो रहा है, और इसकी भरपाई कैसे की जाएगी ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अगर इन कटे हुए पेड़ों के एवज में वास्तविकता से, ईमानदारी से पेड़ नहीं लगे, नहीं बचे, तो ये ऑल वेदर रोड हमारे लिए किसी काम की नहीं, क्योंकि हिमालय का जो सबसे बड़ा आधार है वो यहाँ के जंगल हैं, यहाँ की वनस्पतियाँ हैं, क्योंकि ये देवभूमि है। यहाँ के हर वनस्पति औषधीय पर वनस्पति है, यहाँ का हर पेड़ औषधीय है। यहाँ के एक एक पेड़ को बनने में कई हजारों साल लग गए और इस पेड़ को कटने में कुछ चंद मिनट भी नहीं लगे। तो इस प्रकार से जो जंगल तबाह हो गए हैं सड़क को बनने में, तो उस पेड़ को, उन पेड़ों को लगाने के लिए एक ठोस रणनीति सरकार को हम पर्यावरणविदों के सामने रखनी चाहिए और उनको ये बताना होगा कि ये पेड़ कहाँ लगेंगे, कहाँ कहाँ इसके पैच होंगे। और ये जो 33,000 से 35,000 से अधिक जो पेड़ कटे हैं, इनके 10 गुना पेड़ लगने हैं तो ये कहाँ लगेंगे, कौन लगाएगा, कौन इसका वो होगा। कि जैसे योजनाएं चल रही हैं, पेड़ लगते हैं, उसके बाद पेड़ लगने के बाद कोई नहीं दिखता है और फिर उसके बाद वो अतीत में चले जाता है, तो ऐसा अगर हो गया तो ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक होगा, क्योंकि ये हिमालय इन पेड़ों पर ही निर्भर है। हिमालय की जो आत्मा है इन पेड़ों पर निर्भर है। ये पेड़ हैं तो हमारी कृषि बची हुई है, अगर ये पेड़ हैं तो हमारा जनजीवन है, हमारे गांव है। तो इसलिए ऑल वेदर रोड कितने हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए ज़्यादा लाभप्रद होती है ये तो एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात हम लोगों के लिए यहाँ का पर्यावरण का बिगड़ना है। अगर इतने, अभी सुबह मुझे फ़ोन आया था कि कई पीपल के पेड़ कट गए रास्ते में, क्योंकि पूरे देवभूमि है और बद्रीनाथ केदारनाथ जाने के लिए सड़क के किनारे सबसे ज़्यादा पहले हमारे श्रद्धालुओं ने पीपल के पेड़ ज़्यादा लगाए। आप देखिए, हर 100 मीटर पर कहीं ना कहीं आपको पीपल का पेड़ मिलेगा, और पीपल एक ऐसा पेड़ है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, रात को भी ऑक्सीजन देता है, हवा शुद्ध करता है। तो इसलिए भी इस पीपल के पेड़ को कटने से, इस पीपल के पेड़ के कटने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और पीपल के पेड़ को बढ़ने में बहुत समय लगता है। बांज के पेड़ कट गए, बांज के पेड़ों को बनाने में बहुत बड़ा समय लगता है। तो क्या हम इतने धैर्यवान हैं कि इन पेड़ों को बचा सकें, क्या इस प्रजाति के पेड़ लगा सकें, ये हमें देखना होगा ना। तो सबसे बड़ी बात, चलो सर,